तो हेलो भाई लोग, कैसन है? तो आज भी जा रहे हैं हम लोग हिडिंबा देवी टेम्पल। कैसन है बा नहीं? तो चलिए आपको घुमाते हैं हिडिंबा देवी टेम्पल, जो हमारे होटल से थोड़ा सा नीचे आकर है। तो चलिए मिलते हैं हिडिंबा देवी टेम्पल के पास आपसे। तो हम ऊपर के रास्ते से यहाँ आए हैं, जो कि अगर आप कार या बाइक से आते हैं तो आप यही रास्ते से इंटर होंगे। और यहाँ पे कुछ सट्टेबाजी वाला गेम से चाहे तो जरूर खेल सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इसे खेलने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। और यहाँ पर याक राइडिंग, रैबिट के साथ फोटो भी खिंचवा सकते हैं। और यहाँ कुछ छोटा मोटा मार्केट है, आप चाहे तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने हिडिंबा देवी के टेम्पल की तरफ। तो हिडिंबा देवी मंदिर हिमाचल में स्थित मनाली में है। यह एक प्राचीन गुफा मंदिर है जो हिडिंबा देवी या फिर हिरमा देवी को समर्पित है, जिनका वर्णन महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में मिलता है। मंदिर में एक अभिलेख के अनुसार यह मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में करवाया था। पगोडा की आकृति में बनी हुई यह मंदिर अत्यंत सुंदर और अलग है। यह मंदिर मनाली शहर के पास एक पहाड़ पर है। देवदार के वृक्षों से घिरे हुए यह मंदिर देखने में अत्यंत सुंदर लगता है और विंटर में तो यह स्वर्ग से कम नहीं लगता। दूर दूर से यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में कभी जानवरों की बलि दी जाती थी, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है और आज भी इनके दीवारों पर जानवरों के सिंह लटके हुए हैं। और इस मंदिर के पीछे एक वन विहार है जो देवदारों के पेड़ों से भरी हुई है और इसे डूंगरी वन विहार कहते हैं। इसमें जाने के लिए आपको एक 10 रुपये की टिकट लेनी होगी। इस वन विहार में घूमकर आपको बहुत ही शांति और सुकून मिलेगा। तो आप पहले मंदिर में दर्शन करके अपने मन की शांति के लिए यहाँ जरूर आइए। तो हम लोग आ गए हैं डूंगरी वन विहार। तो देखिए, डूंगरी वन विहार में वन का मतलब जंगल ही होता है, ये जंगल ही है। विहार मतलब भ्रमण। तो ये देखिए, सारा जंगल ही है। आप कभी आइए तो यहाँ पे आधे घंटे के लिए घूम लीजिए, ज़्यादा भी घूम सकते हैं, यहाँ घर भी बसा सकते हैं आप अपना। टू विल कंटिन्यू। तो यहाँ से आप निकलते हैं बाहर। फिर यहाँ से लगभग 100 मीटर ऊपर की ओर घटोत्कच टेम्पल है, जो कि माता हिडिंबा और भीम के पुत्र थे। यहाँ उनकी पूजा उनके स्वरूप एक वृक्ष को की जाती है। तो आप जब भी कभी मनाली आएं तो इन मंदिरों में दर्शन अवश्य कर लें। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे मनाली के, तो वो भी जरूर देख लीजिए। तो चलिए, हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।